जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं जैप मनी एप्लीकेशन के बारे में। जैसे देख सकते हो 3.5 की रेटिंग है, 1000 ही इसके रिव्यूज एंड भाई 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड है, ठीक है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इसको भी आप कह सकते हो थोड़ी अंडर रेटेड है। यहाँ से कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि एप्लीकेशन रियल है या फेक, भाई ये कहीं फेक एप्लीकेशन तो नहीं है, तो पूरा इसको खंगालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अबाउट दिस ऐप पे जाते हैं, तो लिखा कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। भाई देखो, कोई इनकम प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आपके पास पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए और आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, ठीक है, और कॉलेज आईडी भी होनी चाहिए और इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपके पास कोई बैंक है तो उसकी इंटरनेट बैंकिंग सुविधा भी बीच में होनी चाहिए। और अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहां पे लिखा कि भाई देखो, अगर आप कोई वर्किंग भाई एलएलपी में हो या भाई लिमिटेड कंपनी में हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो, या आप सरकारी नौकरी भी करते हो, तो लेकिन आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 तक होनी चाहिए, ठीक है, और जो सैलरी है आपके सीधा बैंक में आनी चाहिए, कई लोग कैश ले लेते हैं, ठीक है, और लेटेस्ट जो आपकी पे स्लिप होती है ना वो भी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको कितने का लोन मिलता है, तो भाई देखो 1000 से लेके 1 लाख तक ये कहते हैं हम आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक है, 18% से लेके 36% तक, वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी रिस्की वाली है तो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगे। अब रिस्की प्रोफाइल क्या होती है, जिनका थोड़ा लोन भाई ज्यादा चल रहे होते हैं, ज्यादा लोन जिनके एक्टिव होते हैं उसको हम रिस्की प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे आप 3000 रुपए लेते हो तो उसका APR भाई 36% तक रह सकता है, एनुअल परसेंटेज जो रेट होता है, ठीक है। और नीचे इन्होंने लगा रखा है कि भाई जो प्रोसेसिंग फीस है 3000 रुपए की, वो भाई आपको 200 रुपए तक देनी पड़ सकती है और उस पर थोड़ा 36 रुपए GST भी लगा लो साथ में। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको भाई 2765 रुपए आपको टोटल भाई मिले आपके बैंक अकाउंट में और बीच में इंटरेस्ट रेट आपका हो गया 182 रुपीज और आपकी जो टोटल भाई रीपेमेंट होगी वो 3182 रुपए होगी, तो भाई मतलब 400-500 रुपए के करीबन आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा 3000 रुपए की लोन अमाउंट पे। अगर भाई देखो लोन अमाउंट ज्यादा है तो थोड़ा बीच में फ्लक्चुएट भी हो सकता है, ज्यादा कम भी हो सकता है। और यहाँ पे लोन लेने के लिए आपको अपनी ईएमएच करवा लेनी है, जहां से भाई आपके जितने पैसे होंगे अपने आप वो कट हो जाएंगे और आपको टेन्यूर भी सही मिल रहा है। लेकिन ये तो हमने बात करी एप्लीकेशन की प्रो के बारे में, भाई अच्छाई के बारे में, लेकिन अब हम कॉन्स के बारे में बात करें, इसमें क्या दिक्कत है। देखो, इसकी रेटिंग ऐसे ही 3.5 की नहीं है, इसकी रेटिंग इसलिए कम है क्योंकि इनकी सर्विस के कारण, क्योंकि ये कहते तो हैं कि हम भाई पूरे इंडिया में यहाँ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मान लो इन्होंने साउथ में बताया, हम बेंगलुरु में अवेलेबल है, यहाँ पे चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, काफी सारी सिटीज लिख रखी है, वेस्ट में अहमदाबाद, गांधीनगर, लेकिन यहाँ पे भी ये अवेलेबल नहीं है देखा जाए, क्योंकि मेरे दोस्तों ने, कई लोग दिल्ली में रहते हैं, कोई मुंबई में रहता है, उन्होंने अप्लाई करके देखा, हुआ क्या भाई, उनका पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया था, KYC से लेके पूरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो डिटेल्स होती है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, सब डिटेल फिल होने के बाद हुआ क्या, इन्होंने बता दिया कि आप ना 3-4 हजार के लिए लोन के लिए एलिजिबल हो। बंदे खुश हो गए, चलो भाई इमरजेंसी है, लोन यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इन्होंने बता दिया आपको लोन तो मिल जाएगा, फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया कि आपकी जो लोकेशन है वहां पे हम लोन ही प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो ये इश्यू आ रहा है जैप मनी में, इसलिए इनके डाउनलोड भाई ज्यादा है, मतलब 1 लाख ठीक डाउनलोड होते हैं, डिसेंट डाउनलोड होते हैं, लेकिन रेटिंग कम इसलिए है, ठीक है। तो आई होप ये जय मनी वाले इसको फिक्स कर देंगे, और ये इशू जब भी फिक्स होगा यहाँ पे मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा भाई, वीडियो बना के बता दूंगा। और बात करते हैं एप्लीकेशन रियल है या फेक, तो भाई देखो इसमें यही लोकेलिटी का इशू है, बाकी एक मोनेक्सो फिनटेक है जिससे रजिस्टर्ड है, NBFC अप्रूव्ड है, मतलब RBI से रजिस्टर्ड है, तो भाई उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है। बस गाइस इसमें लोकेलिटी की दिक्कत आ रही है कि जहां पे आप भाई रहते हो वहां पे इनकी सर्विस नहीं है, इसलिए एप्लीकेशन ज्यादा नहीं चल रही है। आई होप इन फ्यूचर में 2024 में भाई ये ज्यादा चलने लग जाए, फिलहाल इनकी सर्विस कम है। जब भी भाई इनकी सर्विस पूरे ऑल ओवर इंडिया में आने लग जाएगी तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको जैम मनी का रिव्यू अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी भी कोई डाउट इस एप्लीकेशन या कोई और लोन एप्लीकेशन के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।